ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। और ये व्लॉग है मेरी कोटा ट्रिप का सेकंड पार्ट। तो मैं हूँ सेवन वंडर पार्क, जो सेकंड पार्ट मैंने तुम्हें बताया था कि मैं सेवन वंडर पार्क जाऊँगा। तो ये व्लॉग वही है, अब देखो पूरा व्लॉग और मिलते हैं इस वीडियो के बाद। कोटा जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो जगह देख लो, सेवन वंडर पार्क है। सात अजूबे एक ही जगह मिल जाएंगे छोटे छोटे, देखते हैं क्या है, कैसा है, क्या सीन है इसका। तो ये पीछे टिकट काउंटर है, टिकट सस्ते ही हैं, 10-10 रुपए में काम हो जाएगा तुम्हारा। और सबसे पहली चीज़ जो यार यहाँ पे दिख रही है ना मेरे को, ये पीसा की मीनार, ये देखो। इटली आया हूँ भाई मैं, ये है रियो डी जेनेरियो में जहाँ से मसाल स्टार्ट होती है। अच्छा सॉरी, ओलंपिक खेल्स के लिए। ओके, इस मीनार से वहाँ। तो ये रियो डी जेनेरियो में ओलंपिक गेम्स की जहाँ से मसाला। अच्छा पीसा की मीनार आगे यार, वो सेम स्ट्रक्चर था इसलिए मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गया, गलती ऐसे पता है मेरे को। ये देखो, अरे यार अच्छा बनाया है छोटा सा। रात में यहाँ पे लाइटें वाइटें भी चमकती हैं बढ़िया, तो बढ़िया लगता है अभी। ठीक है मैं समझ सकता हूँ, इतना कुछ ऐसे नहीं लग रहा होगा। और इसके आगे क्या दिख रहा है देखो, इजिप्ट का पिरामिड, इजिप्ट का पिरामिड। तो आगे चलते हैं, और एक ही लाइन में सारी चीज़ें बना रखी हैं। मेरे को जो सबसे सही चीज़ लग रही है ना यहाँ पे, वो मेरे को लग रही है वो जो पीछे ब्रिज है, क्योंकि ताजमहल और एफिल टावर तो ऐसे हैं क्या बताऊँ कैसे हैं, लेकिन अच्छा है जो भी है, यहाँ आया जा सकता है बढ़िया तरीके से। अच्छा ये पॉइंट अच्छा है यहाँ पे, मतलब पीछे देखो मेरे पूरा पानी वानी है बढ़िया एकदम, और इसके जस्ट सामने पीछे वो इजिप्ट का पिरामिड। जो भी सेवन वंडर्स हैं सारे एक ही जगह बना रखे हैं, दिख रहे हो ये पानी कैसे चल रहा है, वो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। और यहाँ पे वाटर फ्लो बहुत, मतलब बहुत मस्त लग रहा है अभी यार, दिखता हुआ एकदम, एक तरफ यूँ एक तरफ यूँ, पीसफुल जगह है काफ़ी। ताजमहल भी तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ से, वो देखो अभी चलते हैं उधर ही चलते हैं। उसके पीछे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, और क्या है पीसा की मीनार, और क्या है बताऊँ क्या है, एफिल टावर सस्ती, और ये पिरामिड को हाय बाय जो बोलना है बोल दो ठीक है। और हो सक ये व्लॉग थोड़ा छोटा ही रहेगा, 7 से 8 मिनट का, इसमें मैं हर वंडर को सोच रहा हूँ एक एक मिनट दे दूँ, दिखा दूँ। और थोड़ा मेरे को यार उस ब्रिज पर जाना है, और कोई काम नहीं है मेरे को, ज़्यादा पसंद है ठीक है। यहाँ से देखो ताजमहल हो रहा, अब जो लोग यार असली में देखते हैं उनको एक छोटा ही लगेगा, पर फिर भी ठीक है। अच्छा ठीक है, थोड़ा छोटा सा ताजमहल तुम लोग देख लो, यहाँ पे इस तरफ है मेरे। और यार मेरे को तो सबसे सही जगह यही लगी, ये एकदम है ना जयपुर में जो लोग रहते हैं, ये जलमहल जैसी है और बढ़िया जगह है। अब ताजमहल मैं तुम्हें सामने से दिखाता हूँ कैसा लुक दे रहा है, वैसे लगता तो बढ़िया है। ये देखो छोटा सा मंदिर जैसा लग रहा है यहाँ से। अब मेरे को जो जगह सबसे ज़्यादा पसंद आ रही थी ना, उस पर आ गया मैं, ये ब्रिज। और क्योंकि ये एकदम पानी के बीच में है, तो मेरे को तो यार ऐसी जगह ज़्यादा पसंद आती है। ये तो थोड़ी आर्टिफिशियल सी हो गई, पर अच्छी है। आओ देखो, पर जो आसपास आ रहा हो ना वही आना, ऐसा नहीं है कि तुम एकदम कहीं बहुत अलग जगह से आओ, उतना भी वर्थ नहीं है। अब मेरे को इस ब्रिज पर जाना है, तो इस पर चलते हैं। जैसा कि मेरे को लग ही रहा था यहाँ पे मेरी है ना किस्मत ज़्यादा अच्छी है नहीं। ये देखो जो जो सबसे अच्छी चीज़ लग रही थी वो तो लॉक्ड है। अब ताजमहल कितनी देर देखूँ यार, मछली वाले में गया था तो उसके आगे मैं अब क्यों झूठ बोलूँ, मेरे को उतना नहीं पसंद आ रहा ये। पर मैं हाँ USA नहीं गया कभी, तो मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख के खुश हो सकता हूँ। पीछे उधर ही चलते हैं, वो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ कैसी है कैसी नहीं। तो यार मैं ब्रिज की बात कर रहा था, तो ब्रिज यहाँ से व्यू अच्छा देता है, पर वो लॉक्ड है तो मैं कुछ कर नहीं सकता उसका, तो जो भी कोई बाद में आए वो देख लेना अपने हिसाब से। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये देखो यार मेरे पीछे, ये रही। और जो सबसे
मेन दो चीज़ें मेरे को बहुत पसंद आई, एक तो वो ब्रिज, एक ये पीछे एफिल टावर तो वहीं जाऊंगा, और ये पीसा की मीनार छोटी सी येरी। कुल मिला के ओवरऑल रिव्यू दें देखा जाए तो बढ़िया है यार, शांति की जगह है। और पीछे देखो एक बार, थोड़ा ही कश्मीर जैसा लुक देता है, डल लेक जैसा लुक देता है। तो बद्रीनाथ की दुल्हनिया की शूटिंग भी यहीं हुई थी भाई, इस पार्क में हुई थी, और उस मंदिर में भी हुई थी पीछे, जग मंदिर है उसका नाम, वहाँ आ जाना। मैं जा रहा हूँ आगे, दो जगह मेरे को पसंद है। पास से दिखाता हूँ तुम लोगों को, बहुत देर से दूर से देख लिया। ये देखो भाई ये रही अपनी सस्ती सुंदर टिकाऊ एफिल टावर, तो इसके साथ फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हो अलग अलग एंगल से रात को, जिससे लोगों को थोड़ा बहुत क्या पता लग जाए कि तुम पेरिस वेरिस आए हो। अगर तुम्हें लोगों का काटने का मूड हो तो इस पार्क में ज़रूर आओ, और एक सस्ता फॉरेन टूर, वर्ल्ड टूर, कुछ भी मान लो इसको। अब यार मैं पास आ गया इसके, तो पास से दिखाता हूँ तुम्हें, फाइनली सबसे सही यही है क्योंकि यहाँ ये देखो, और यहाँ से फ़ोटो भी बढ़िया आ रही है, और यार मस्त है एक्चुअली, मेरे को बहुत पसंद आई जगह और अच्छी जगह है, तो यहाँ ज़रूर आओ। और एफिल टावर का यही सीन है, ये देख लो लास्ट एंगल बढ़िया है, और मेहनत की हुई है, तो अच्छे से डेवलप्ड है पार्क, बहुत प्यारा है। और एक लास्ट वंडर, और ये बहुत पॉपुलर है, बहुत कॉमन है, तो इसके बारे में बताऊँगा नहीं, जैसे नहीं पता वो खुद देखो पढ़ो, और बहुत अच्छा है। तो फाइनली व्लॉग ओवर करते हैं, और भाइयों सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ, और यार मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार तुम लोग सपोर्ट करते हो, दिल से थैंक यू, चैनल सही चल रहा है, खुश हूँ मैं मेरी ज़िंदगी में, तुम भी उम्मीद करता हूँ मैं खुश रहो, कुछ गलत हो रहा हो तो जल्दी सही हो जाए, और लव यू ऑल यार। और जो पहली बार देख रहा है भाई सब्सक्राइब कर देना। तो आज के व्लॉग में इतना ही, और फाइनली बाय।